हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और सबसे पहले आप लोगों का निधिस किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सबकी सुबह भी बहुत मज़ेदार होगी। यहां पे सुबह सुबह मैंने बनाने लग गई हूं, ये रेडीमेड आटा है ढोकले का, मैं ट्राई कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मैं आपको जो सच होगा रिव्यू वही दूँगी। अगर ये अच्छा बना तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी, ख़राब बना तो भी बताऊँगी। पर हाँ, वीडियो में पूरा बने रहिएगा तभी आपको एंड रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक बर्तन में मैंने जो ये मिश्रण था पूरा उसको निकाल लिया है। इसके बाद इस पर लिखा हुआ था कि आप इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल दीजिए, तो अगर आपको और ज़्यादा खट्टा पसंद है तो थोड़ा और दही डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और दूसरी तरफ आपको गैस पे कढ़ाई को थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लेना है। उसके ऊपर कोई स्टैंड रख दीजिए जिससे कि हमारा जो बर्तन है वो अच्छी तरीके से उस पर बैठ जाए। ढोकले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है ना, उसे इसी तरीके से मिलाया जाना चाहिए, इससे ये बहुत ही परफेक्ट बनता है। आप देख सकते हो कि ढोकले का बैटर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी दिख रहा है। अभी से ही ये बिल्कुल अच्छा फुला फुला दिख रहा है। यहाँ पे एक थाली ले ली है, इसको मैं ऑयल लगा के इसको पूरी तरीके से फैला लूँगी। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ढोकला बनाओ ना, तो 2-3 इंच ऐसे जो खट्टे वाली थाली होती है ना गहरी, उसी का इस्तेमाल करिएगा। इससे हमारे ढोकले जो होते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से फूलते भी हैं, उनको जगह भी मिलती है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है। मेरा पर्सनल ये मानना है ना कि जिस तरीके से हम अगर टोप वगैरह बनाते हैं और थाली में बनाते हैं ना, थाली वाला ढोकला को ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो अगर आप एग्री करते रहोगे तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। यहाँ पे अब मैंने ना यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने ये थाली को अच्छे से बिठा दिया है। दूसरी तरफ मैं बनाने लग गई हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरी सुबह अधूरी है। सो अगर आप भी चाय लवर हो तो आप भी ज़रूर से बताइएगा। ढोकला जब तक बन रहा है तब तक दूसरी तरफ हम चटनी तैयार करेंगे। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे ना नारियल लिया है, एक नारियल नहीं लिया है, आधा टुकड़े वाला। इसके बाद ना मैंने इसमें अच्छे तरीके से धनिए को और मिर्ची वगैरह को वॉश कर लिया था, उसमें लहसुन डाला, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप नॉर्मल नमक यूज़ करते हो तो आप थोड़ा सा आपको कम डालना पड़ेगा, या तो सेंधा नमक है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो बस इसका मैं चटनी जो है वो पीस लूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी की मदद से हमारी जो चटनी होती है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाती है, बारीक हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाती है। बातों ही बातों में चटनी देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। 15 मिनट तक हमें इसे गैस पे पकाना था, तो जी 15 मिनट बिल्कुल हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ढोकले को मैं अभी नाइफ़ से चेक कर रही हूँ, एकदम क्लियर नाइफ़ आई है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, इतना वाफ था कि क्या ही बताऊँ। सो बस ये देखिए बिल्कुल कच्चा नहीं है। अगर आपका कच्चा रहेगा ना ढोकला, तो यहाँ पर गीला गीला बैटर लगा हुआ आएगा। ढोकला एकदम ड्राई और एकदम अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी अब तड़के की। तो बस तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है तेल। तेल आप नॉर्मल जो रिफाइन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, जो आप खाते रहोगे वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें ना भर के 1-1.5 चम्मच के करीब राई डाल दीजिए, ढेर सारे कड़ी पत्ते डाल दीजिए। बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा कड़ी पत्ता डालने में, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने एक मिर्ची डाल दी है बस टेस्ट के लिए, और इसके बाद शक्कर डालना है और पानी डाल दीजिएगा। एक हम ना शुगर सिरप जैसा इसको बना के हम रेडी कर लेंगे। शक्कर डालने से ना खट्टा, मीठा, तीखा, इस तरीके का जो ढोकले का बाहर मार्केट में हमें टेस्ट मिलता है ना, बिल्कुल घर पे वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं जो तड़का है, जो शुगर का ये पानी है, उसको अच्छी तरीके से सब जगह फैला दे रही हूँ, ताकि ये अंदर अच्छी तरीके से ढोकले में इसका स्वाद जो है वो आ जाए। एक नाइफ़ की मदद से अब हम इसको ढोकले को अच्छी तरीके से बॉक्स के साइज़ में कट कर लेंगे। और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ, और मैंने जैसा कहा था जो सच होगा वही मैं आपको बताऊँगी। ढोकला कैसा बन के तैयार हुआ है वो आपको खुद वीडियो में लाइव दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो थोड़े साइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको निकाल के तब जाके ये आपको बीच में अच्छे से बड़ा बड़ा स्क्वायर वाला ये जो शेप होता है इसको अच्छा वाला ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं इसको निकाल ले रही हूँ, एक सर्विंग प्लेट में मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ। चटनी हमारी जो मज़ेदार बन के तैयार हुई है उसको भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और हमारा ढोकला आप देख सकते हो कितना अच्छा, कितना स्पॉन्जी और कितना खाने में इतना टेस्टी बना था कि पूछिए ही मत। तो मैं तो पक्का कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इस बैटर को ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।